तो हम बात कर रहे हैं केटी जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअल में हमारा इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे एक सहारा ये था कि एक मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल, उसकी वेलोसिटी पे कमेंट करना है हमें। किस पे करना है? वेलोसिटी। और साथ ही साथ इस बात पे भी कमेंट करना है कि उसकी एनर्जी क्या होगी। और एक और पॉइंट, प्रेशर। यानी क्या हुआ? प्रेशर, वेलोसिटी और एनर्जी, इन तीनों में मैं कमेंट करना चाहता हूँ। तो पहले और ऐसा मॉलिक्यूल जो दिखाई भी नहीं दे रहा, हद हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे पास एक क्यूब लिया मैंने, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और हर डायरेक्शन में कर रहे होंगे, ठीक है? कोई इस तरह से कर रहा होगा, 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 कोई इस तरह से कर रहा होगा मॉलिक्यूल। बोलो, इस समझ में आ रहा है? तो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग स्पीड से, अलग अलग वही कहा जाए स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं और कॉलिजन कर रहे हैं। और मेरा टारगेट क्या है? मुझे इनकी वेलोसिटी बतानी है, मुझे इनका प्रेशर बताना है, और मुझे यहाँ पर एनर्जी भी बतानी है। कौन सी वाली एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। पहले जो पहला एजम्पशंस होगा वो ये लूंगा मैं कि गैस मेरे पास आइडियल है। गैस जो है वो मेरे पास आइडियल है। तो जो गैस आइडियल होती है उस पर कुछ खास बात होती है। पहला, नो अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो मेरे पास आएगा वो ये रहेगा, ग्रेविटी वर्क नहीं करती आइडियल गैस पे। तो ग्रेविटी नॉट वर्किंग तो एक तो ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है, और एक हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो वर्क क्या कर रहा है देखते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू मूविंग विदाउट सेटल डाउन। अगर ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे होते तो सेटल डाउन होकर नीचे गिर जाते। तो इसका मतलब रिजल्ट हमारे पास क्या रहा? थर्ड पॉइंट पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर मूविंग विथ विदाउट सेटल। यानी ऑलवेज मूविंग। फोर्थ पॉइंट जो मेरे पास आ रहा है, तो ये जो हमारे पास था आइडियल गैस है, उसके बाद दूसरा हमें यहां ये दिखना पड़ेगा कि कॉलिजन जो हो रही है वो किस तरह की हो रही है। ऑल कॉलिजन्स, जितनी भी कॉलिजन है, आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर इसका मतलब क्या है? अगर कोई कॉलिजन हो रही है तो मोमेंटम कंजर्व है, और दूसरा क्या कंजर्व है? एनर्जी कंजर्व है। तो एनर्जी कंजर्व होता है एक तो कंजर्व, और दूसरा क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व है। मैं ये वाला पॉइंट लेने की कोशिश करूंगा, मोमेंटम कंजर्व को, और डेरिवेशन यहीं से करूंगा मैं। तो यहां से मेरा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ये तो मैंने एजम्पशंस लिए, तो आपके पास जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो एम वन वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम टू वी टू। अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा जो सब चीजें बता देगा हमारे को। तो जब ये डेरिवेशंस आप ले रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आप ले लीजिए। ऐसी गैस जो आइडियल है आपको अच्छी लगेगी, हमेशा आइडियल की तरह रहेगी,
कौन सी गैस लग रही है आपको? हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, सामने वॉल है, और वॉल से टकरा के वापस इस तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो बताइए यहां आपके पास क्या होगा? इस जगह हीलियम ने चेंज ऑफ मोमेंटम बाय वन मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन, देखिए जब पार्टिकल आपके दिमाग में आ रहा था तो आपके दिमाग में यह आ रहा था कि सर यहां पर पार्टिकल तो 3D में मूव कर रहा है, उसके तो तीनों कंपोनेंट है एक्स वाई जेड। मैं ये मान रहा हूं उसके जब तीनों कंपोनेंट है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है वी, एक्स वाई जेड तीन एक्सेस हैं, ये वाई एक्सेस मान लो, ये पार्टिकल मान लो, ये वाई, ये आपके पास एक्स एक्सेस और ये जेड एक्सेस, तो उसका वी एक्स वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कहलाएगा। ये वी एक्स लेना पड़ेगा, ये वी वाई लेना पड़ेगा, यहां क्या लेना पड़ेगा? वी जेड। बिल्कुल, तो यहां आपके पास वी एक्स कंपोनेंट ले लिया, आप तो अभी वी एक्स ही लिख लो बेसिकली। तो एक्स डायरेक्शन चेंज ऑफ मोमेंटम बाय वन मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन इन वन कॉलिजन, वन कॉलिजन भी लेना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे चेंज ऑफ मोमेंटम, कैसे निकालोगे इसको? निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मान लीजिए यहां पर जो डायरेक्शन है, और हमेशा ये मैग्नीट्यूड में बताना पड़ेगा, सही है? मान लीजिए फाइनल आपके पास ई वी एक्स है, तो पहले वाली क्या रहेगी? माइनस वी एक्स डायरेक्शन। तो इस तरह से आपके पास जो ये कंपोनेंट बनेगा एम वी एक्स फाइनल हो गया माइनस एम वी एक्स। तो इस तरह से जब आपके पास कंपोनेंट बनेंगे ये सारे, तो बताओ ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्वाइस एम वी एक्स। एक कॉलिजन में इतना मोमेंटम चेंज होगा सिंगल कॉलिजन में। तो बताइए नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितनी होगी? एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जो हमें मेहनत करनी है, दूसरा यानी एक सेकंड में कितनी कॉलिजन होगी और कितने पार्टिकल हैं, बस इतना मेहनत करो फिर बाकी सोचते हैं। लिखो अभी तो यहां तक। देखिए नंबर ऑफ कॉलिजन निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, जब पार्टिकल मेरा मान लीजिए यहां पर लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ कॉलिजन निकालने के लिए मान लीजिए एल है, ये क्यूबिक बॉक्स है, तो बताइए क्या आप नंबर ऑफ कॉलिजन निकाल सकते हैं? हाँ, पार्टिकल यहां था, यहां एक्स डिस्टेंस रहते कितनी कॉलिजन करेगा? एक। फिर यहां आया, एल डिस्टेंस कवर करा, फिर कितनी कॉलिजन कर ली? एक। तो यहां आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलिजन बाय वन पार्टिकल, वन पार्टिकल इन वन सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ कॉलिजन कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं जब आपको कॉलिजन निकालनी है तो बस कुछ भी नहीं करना है, एक सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस में एल का डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस इन वन सेकेंड डिवाइडेड बाय एल, और डिस्टेंस इन वन सेकेंड आपके पास हो जाएगा वी एक्स वेलोसिटी बाय एल। ये आपके पास आया नहीं कि आपके पास समझ में आ गया? हर एक एल डिस्टेंस में वो एक कॉलिजन करता हुआ चलेगा। सपोज उसने 1000 मीटर चल लिया और हर एक क्यूब के अंदर 1 मीटर पे वो एक कॉलिजन कर रहा है, तो 1000 यानी 1000 डिवाइडेड 1000 कॉलिजन आ जाएगी। वैसे ही ये वैसे नंबर ऑफ कॉलिजन मिलियन और बिलियन में आएगी,
समझ में आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करता है और जगह बहुत छोटी है उसके हिसाब से। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉलिजन बाय वन पार्टिकल इन वन सेकेंड आ रहा है वो वी एक्स बाय एल आ रहा है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, अब वापिस आ जाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय वन पार्टिकल, वन पार्टिकल, रेट का मतलब हो गया एक सेकंड में कितना चेंजेज हो रहा है इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तरह से अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। ये कौन सा रूल है, न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, बात बराबर है, फोर्स बताएगा ये। और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ कोलिजन मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एम वी एक्स। तो नंबर ऑफ कोलिजन आपके पास वी एक्स है मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एम वी एक्स, तो ये वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगा, ट्वाइस एम वी एक्स बाई एल है, तो ट्वाइस एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल, चेंज ऑफ मोमेंटम यही फोर्स हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, तो देखिए ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स आया, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में भी आएगा और जेड डायरेक्शन में भी आएगा। तो मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एफ एक्स निकल गया आपका ट्वाइस एम वी एक्स स्क्वायर, तो नेट फोर्स कितना क्रिएट होगा, नेट फोर्स क्रिएट ऑन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस, तो जो एफ नेट बनेगा वो पता है क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड इन सबका समेशन बनेगा। समझ में आ रही है बात, एफ नेट। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर इस जगह आपके पास आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल प्लस ट्वाइस एम वी वाई स्क्वायर बाई एल प्लस ट्वाइस एम वी जेड स्क्वायर बाई एल, ट्वाइस एम बाई एल कॉमन ले लो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर आपके पास इस तरह से आ चुके हैं, और ये आपके पास एफ नेट हो गया पूरा कंटेनर में। क्लियर है, अब आप इन तीनों का स्क्वायर एफ नेट ट्वाइस एम एल इसको लिख सकते हो आप वी आर एम एस स्क्वायर एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, ये आपके पास वी आर एम एस स्क्वायर हो गया एक पार्टिकल से आपका जो वेलोसिटी क्रिएट हुआ है। तो आप ही बताइए अगर आपके पास यहां पर इस जगह जो वेलोसिटी है, वी आर एम एस भी मत बोलो आप, इसको बोलो वी रिजल्टेंट स्क्वायर। अब ये वी आ गया, क्या सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, नहीं, ये एक पार्टिकल की वेलोसिटी है वी है, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ नेट ट्वाइस एम बाई एल और वी स्क्वायर बनेगा पक्का। तो यहां पर अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी, बोलो कुछ समझ में आ रहा है, तो किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी, तो एफ नेट यहां पर लिखोगे बाय वन पार्टिकल बाय नेट बाय ऑल पार्टिकल, ऑल पार्टिकल, तो किसी की होगी ट्वाइस एम, ये तो कॉमन ले लो आप, किसी की होगी ध्यान से सुनना एन वन पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी वी वन है, एन टू पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी वी टू स्क्वायर है,
ऐसे चलेगा ये। बोलो क्लियर है? तो किसी की वन होगी, किसी की एन वन होगी, किसी की एन टू होगी, किसी की एन थ्री होगी, और ये चलेगा। तो अब आपने क्या करा, इस जगह एफ नेट, इसी को आगे कर रहे हैं, ट्वाइस एम स्मॉल एम अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एन। एन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है टू एन वन प्लस एन टू एन थ्री, सब एन से मल्टीप्लाई करा और एन से डिवाइड कर दिया। तो एन वन वी वन स्क्वायर प्लस एन टू वी टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय एन। यहां क्या है, वेयर एन शो टोटल पार्टिकल, टोटल पार्टिकल इन कंटेनर। और एक और चीज जानते हैं हम, इसको हमने वी आर एम एस ले लिया। वी आर एम एस का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी वैल्यू होती है एन वन वी वन स्क्वायर प्लस एन टू वी टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस डॉट डॉट, और ये वैल्यू एन के बराबर है। एन वन प्लस एन टू प्लस डॉट डॉट। तो क्या मैं यहां पर इस पूरी टर्म की जगह वी आर एम एस लिख सकता हूं, यस और नो? हाँ, तो मेरे पास हो गया ये एफ नेट इज इक्वल टू ट्वाइस एम एन बाई एल बाई एल, और ये मेरे पास हो गया वी आर एम एस स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वी आर एम एस स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ी फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहीं नहीं है इसमें। अब आगे ये मेरे पास नेट आ गया फोर्स। अगर एन की वैल्यू आपके पास अवोगाद्रो नंबर है एन ए, तो एक मोल हो गया यानी कि, और एक मोल का को अगर आप मोलर मास से एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर एटॉमिक वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोलर एटॉमिक वेट। तो एफ नेट की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, अब ट्वाइस ये जो स्मॉल एम था एम डब्ल्यू टी हो गया मोलर वेट एल वी आर एम एस स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया है अब एफ नेट, टोटल नेट जो तीनों, मतलब कितनी वॉल है हमारे पास, सोच के देखो स्क्वायर के अंदर, क्यूब के अंदर, स्क्वायर नहीं क्यूब के अंदर कितनी वॉल्स होती है, अप डाउन और चारों दीवारें, तो कितनी हुई टोटल, सिक्स। तो एक मिनट लिखना बंद करो और समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूं इस जगह। आपके पास एफ नेट आ गया ट्वाइस मॉलिकुलर वेट अपॉन एल वी स्क्वायर अपॉन आर एम एस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स क्रिएट हुआ है और मुझे प्रेशर चाहिए, तो मैं प्रेशर कैसे निकालूंगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स क्या है आपके पास, फोर्स है आपके पास टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना होगा, सिक्स वॉल का, एक वॉल का होता है एल स्क्वायर, तो सिक्स वॉल का कितना हो गया, सिक्स एल स्क्वायर। तो आपके पास हो गया टू मल्टीप्लाई बाय, ये टू क्रॉस कर दिया इसको सिक्स को थ्री, तो आपके पास हो गया मॉलिकुलर वेट वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन थ्री एल क्यूब, थ्री एल क्यूब। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं पी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट वी आर एम एस स्क्वायर थ्री एल क्यूब। एल क्यूब की जगह क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब ये वी वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी को हम यहां पर क्या कर देते हैं, यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ बुक्स इसको यू से कर देती है, कुछ वी से ही कर देती है। चलिए तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं थ्री पी वी, थ्री पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब वहीं ले गया, पी वी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट वी आर एम एस स्क्वायर
मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब आप समझ गए 3 PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी, 2 काइनेटिक एनर्जी। पीवी की जगह क्या लिख सकते हो, एनआरटी, क्योंकि मैंने मोलर मास ले रखा है, तो इसका मतलब 1 मोल के लिए एन की वैल्यू 1 है, 3 RT इक्वल टू 3 2 काइनेटिक एनर्जी। तो आपके लिए एक तरह से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बनेगा, फाइनली लॉक कर दिया जाए, काइनेटिक इक्वल एनर्जी इक्वल टू क्या बनेगा, 3/2 RT। ये आपके पास फाइनल एग्जाम्पल, फाइनल रिलेशन बनेगा 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी बाय 1 मोल, ये मैंने डेराइव कर दिया। तो क्या इस पूरे डेरिवेशन में काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो? हाँ। आपको क्या चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर चाहिए। क्या आप प्रेशर बता सकते हो? हाँ। क्या ये काइनेटिक एनर्जी पता चल गया आपको, समझना, तो काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चाहिए आपको, तो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए फिर तो। या आप एक काम करो, प्रेशर बताने के लिए, वैसे तो प्रेशर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी बता सकते हो। आपसे आपको यहां पर सिर्फ ये डेरिवेशंस काइनेटिक एनर्जी के लिए ही किया गया है मेन, तो प्रेशर तो आप पहले भी बता पा रहे थे। क्या मोमेंटम बता पा रहे हो? हाँ। फोर्स बता पा रहे हो? हाँ। मेन मेरा जो एम था इस डेरिवेशन को, वो काइनेटिक एनर्जी बताने का था, काइनेटिक एनर्जी बाय 1 मोल पार्टिकल इज इक्वल टू 3/2 RT। देखो यहां 2-3 डाउट आ रहे हैं। पहला डाउट कि क्या ये आपके लिए सिर्फ क्यूबिक मैंने मानते हुए करा है, तो क्या क्यूबिक के लिए ही ये फॉर्मूला डेराइव है? नहीं। देखो हो ये रहा है कि आप कोई भी कंटेनर लो, भले आप स्पेरिकल लो, कोई भी और ले लो, तो होगा क्या कि जैसा वॉल्यूम लोगे, जितना ज़्यादा टिपिकल लोगे, उसके वेक्टर निकालने उतने ही मुश्किल होंगे, और लेकिन नेट रिजल्ट बन के यही आएगा। तो मैंने वो कंटेनर सेलेक्ट किया है जिसमें वेक्टर निकालना और डायमेंशन निकालना मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान हो। लेकिन मेरे पे विश्वास रखिए, अगर आपने स्पेरिकल निकाला और आप पूरा करेंगे तो नेट रिलेशन यही बनेगा, क्योंकि वो जो वॉल्यूम वाला कंटेन फैक्टर है वो क्रॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं दब रहा है एल क्यूब वाले से, तो बस हाँ वो दब जाएगा और वो चीज़ ऊपर नीचे जाके क्रॉस हो जाएगी। तो यानी ये फॉर्मूला निकाला भले ही हमने क्यूब के लिए, लेकिन हर एक कंटेनर के लिए लगेगा। हर एक कंटेनर में 1 मोल गैस के लिए टी टेम्परेचर पे एनर्जी जो होगी वो 3/2 RT होगी। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जब कॉलिजन होती है तो कॉलिजन होने से वेलोसिटी कम होगी, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा लग रहा है आपको कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नहीं, ये इलास्टिक कंटेनर है। मान लीजिए देखना, ये यहां से पार्टिकल गया, इससे टकराया, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, मान लीजिए ये 10 था, इसकी 5 हो गई, ये 5 वाला ये 10 हो गया, तो कुल मिला के पार्टिकल आपस में रोल चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानेंगे इनफाइनाइट लूप के लिए कि ये पार्टिकल सीधा जा रहा है, समझ में आ रहा है? 10 वाले की 5 हो गई, तो 5 वाले की 10 भी हो गई, तो कुल मिला के ये मूवमेंट जो लीनियर मूवमेंट है इसका, वो क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट बना रहेगा। और सारी कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है, यानी कि कोई भी कॉलिजन में जो एनर्जी है वो हीट में नहीं कन्वर्ट हुई है, तो यहां एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, तो मोमेंटम कंजर्व है, तो थ्रू आउट एक्सियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। बस एजम्पशन थोड़ा सा ये रहना पड़ेगा कि हमने जो मॉलिक्यूल लिया था उसकी वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, वो जाके टकरा जाएगा। मुझे किसी को 100 रुपए देने हैं, डायरेक्ट दूं या तुम्हारे थ्रू दूं, क्या है, उसके पास तो 100 रुपए पहुंचे हैं, तो नेट मोमेंटम तो उतना ही गया है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों डाउट आपके बहुत अच्छे हैं, तो यहां तक क्लियर है। लेकिन कंसेप्चुअली बात, हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं जो कंसेप्चुअली हमारे पास आ रहे हैं। पहला चीज ध्यान से देखिएगा, जो कंसेप्ट हमारे पास आ रहे हैं कंटेनर में, वो कंसेप्ट यानी वो रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट फर्स्ट, रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो इसका रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास फर्स्ट,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, हमने वन मोल ले रहा है, वन मोल मॉलिक्यूल एट टी केल्विन टेम्परेचर, टी केल्विन टेम्परेचर कितना होगा? 3/2 आरटी। सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्या ये मोलर मास पर डिपेंड करेगा? क्या ये मोलर मास आ रहा है यहां पर गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, इनडिपेंडेंट। ऑन मोलर मास ऑफ गैस। दूसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल की जगह वन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एट टी केल्विन टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहां पर? 3/2 आर टी। ये तो एक मोल के लिए था, एक मॉलिक्यूल के लिए किससे डिवाइड करोगे? एन ए। 3/2 के टी हो जाएगा, 3/2 के टी। के यहां पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट होगा, के की वैल्यू क्या होगी? जो आर की वैल्यू है उसमें होगा तो नंबर डिवाइड कर देना, आर बाई एन ए, और के को बोलेंगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये वन मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल, एन मोल, एन मोल के लिए क्या होगा? एन मोल एट टी केल्विन टेम्परेचर पर कितनी होगी? एक मोल के लिए इतना, तो एन मोल के लिए कितना हो जाएगा? एन आर टी। क्या ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगी? हाँ, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करेगी? मोलर मास, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो टी की जगह फिर क्या लगोगे? पीवी, फिर तो पूरा हो गया। तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी। अगर प्रेशर को 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए और वॉल्यूम 1/2 कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पीवी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। अगर प्रेशर को 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए और वॉल्यूम को हाफ कर दिया जाए तो नेट पीवी कितना होगा? 2 टाइम्स बढ़ा, टेम्परेचर 2 टाइम्स बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ेगी। तो हमेशा आंसर किससे देने की कोशिश करना है? टेम्परेचर से। ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर जितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वही रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी को। पी डायरेक्ट नहीं करेगा, वी डायरेक्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो आंसर हमेशा टेम्परेचर से देने की कोशिश करना, ये की पॉइंट में लिख देना। बाकी तो ये सारा आपके पास फॉर्मेट है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कि एक कंटेनर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंटेनर है जिसमें 3-4 गैसेस हैं, एक G1 है, एक G2 है, एक G3 है। टेम्परेचर सबके लिए 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, क्योंकि टेम्परेचर सबके लिए सेम ही होगा। एक कंटेनर में अलग अलग टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, एक कंटेनर में सभी पार्टिकल के लिए क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसके मोल दे रखे हैं N1, इसके दे रखे हैं N2, इसके दे रखे हैं N3, और आपसे टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो मोलर मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो मैं क्या लिखा, क्या कर सकता हूं? 3/2 nRT, n टोटल RT। तो यहां हो जाएगा 3/2 n1 प्लस n2 प्लस n3 RT मैं लिखूंगा। तो यहां टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। केस अच्छा है, एग्जांपल ले लिया आपने कि 3 गैसेस हैं और अलग अलग हैं। ये हो गए टोटल काइनेटिक एनर्जी। एक होता है मोलर काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनना। मोलर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसमें मोल का डिवाइड कर दो।
तो जब काइनेटिक एनर्जी में मोल का डिवाइड करोगे तो पूरे मोल का डिवाइड करते ही वो क्या आ जाएगा, 3/2 RT आ जाएगा, एक मोल पार्टिकल, वन मोलर एनर्जी। वन मोलर का मतलब होता है एक मोल के लिए एनर्जी, वन मॉलिक्यूल एनर्जी तब मॉलिक्यूल होती है। तो पर मोलर एनर्जी में आप किसका डिवाइड करोगे, एन टोटल का डिवाइड कर दोगे, तो पर मोल एनर्जी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर मोल एनर्जी मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड नहीं करेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड नहीं करेगी।